आज मलका मसूर बना रहे हैं। ये मलका ये दालों की मलका है बेटे, इसको इसलिए मलका मसूर कहते हैं। मसूर की मलका है ये। लग नहीं रही आपको मलका? नहीं, कैसी होती है मलका? जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मलका है मसूर। तो उसके लिए आधा किलो मैंने ले लिया मसूर की दाल, और उसको तकरीबन एक जग पानी में चढ़ा दिया। अब साथ ही मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी और फिर इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। मसालों में क्या शामिल करेंगे देखते जाइए। इसमें शामिल करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही में शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। पिसा हुआ शामिल करते ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास इस टाइम पिसा हुआ नहीं है तो मैं साबुत ज़ीरा ही शामिल कर रही हूँ। साथ में शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला, साथ ही हम शामिल करेंगे नमक। नमक शामिल करके हम बॉयल होने रख देंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रश कीवी हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे क्रश कीवी चिलीज, पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा। हम इसको ढक के दरमियानी आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कुक करेंगे, तो आधा घंटा काफ़ी होता है, दाल अच्छे से गल जाएगी। मलका मसूर तो यहाँ गलने चढ़ गई है, और मलका मसूर पे हंसने वाला फ्रेंच फ्राइज़ की फरमाइश कर गया। तो यहाँ साथ ही मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, तो साथ उसकी भी टिप शेयर कर दूँगी आपके साथ, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो कट कर लिए हैं, और कटर भी आपको नज़र आ रहा होगा, कटर भी यूज़ किया, और अब इसको मैंने कोट किया है मैदे से। बाज़ लोग इसको मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों चीज़ें डालते हैं, आपके पास कोई एक चीज़ भी अवेलेबल है अगर वो मैदा है या लाजमी शामिल करें, उससे क्या होता है कि थोड़े क्रिस्पी बनते हैं और बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो अदरवाइज़ ये बहुत नरम, और जिसको एक लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ किया जाता है लिच लिचे से, नरम सोगी से बनते हैं, तो वो बच्चे पसंद नहीं करते। तो उसकी जगह थोड़ा सा भी आप इसको कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे या मैदा ऐड करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी से क्रंची से बनते हैं, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये थी आज की टिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आधे घंटे बाद दाल की ये पोजिशन है, दाल गल भी की है और थिक भी होगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप दही फेंट के अच्छी तरह इसमें शामिल कर दूंगी, और फिर अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे। दही शामिल कर दी, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर इसको तकरीबन 5 मिनट तक और कुक कर लें, ताकि इसमें दही शामिल कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक दरमियानी आँच पर पकाऊँगी, और फिर इसके बाद इसका तड़का तैयार करते हैं। अब ये जो स्टेप मैं करने जा रही हूँ इसको आप खुद से जो नाम दे दें, इससे ये कि थिकनेस में इजाफा हो जाता है और टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है घी, इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और साथ ही एक दरमियानी प्याज स्लाइस में कटी हुई, साथ में गोल लाल मिर्च 3 से 4 अदद, और साथ में शामिल कर दूँगी लहसुन। ज़ीरा शामिल कर दिया है, कड़कड़ा के अब इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज काफ़ी ढंग तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, हमने शामिल कर दिया कुटा हुआ लहसुन, और लहसुन हमने इसमें कुटा है और शामिल कर दिया। तड़का तैयार हो गया, अब हम इसको दाल में शामिल कर देंगे, और हमारी मलका मसूर की दाल तैयार है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखा करें। आवाज़ भले बहुत संजीदगी वाली है, लेकिन वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। बहुत शुक्रिया।
जी मलका मसूर रेडी चावलों के साथ। दाल बहुत अच्छी लगती है, वाइट राइस उबले हुए सफ़ेद चावल और साथ में छोटा बारीक कटा हुआ सैलेड जिसमें खीरा प्याज टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो बेस्ट मील आपका रेडी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी हमारी मलका मसूर वाइट राइस के साथ और साथ में ये सैलड जो जिसके साथ मैंने आपको कहा कि ये दाल और चावल बहुत। ये रही व्यूअर्स हमारे सलाद और देख लें आपके ये किस तरह बारीक कटा, वैसे भी बारीक कट सकता है लेकिन इतना भी ठीक है और ये बहुत जायका देता है। थोड़ा सा इस पर नमक डाल दें और साथ ही नींबू निचोड़ दें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी नहीं। और ये हमारी मलका मसूर और वाइट राइस रेडी है। बहुत गर्म है इसलिए मुझसे नौला नहीं बन रहा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं खाने लगी हूँ खाना और आप एंजॉय कीजिए वीडियो।